फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले 2 महीने से शेयर बाजार में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमतों का तेजी से बढ़ना है। ब्रेंट क्रूड में 1 जनवरी 2022 से अब तक करीब 20% तेजी आई है, जबकि बीते एक साल में क्रूड 62% महंगा होकर 7 से 8 साल के हाई पर पहुँच गया है। हाल ही में क्रूड ने 95 से 96 डॉलर प्रति बैरल का लेवल टच किया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और पोस्ट पेंडेमिक अचानक डिमांड बढ़ने से क्रूड में जोरदार तेजी आई है। पेंडेमिक के बाद मांग 100 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि क्रूड को लेकर जो भी फैक्टर हैं वे आगे डिस्काउंट होंगे, लेकिन नियर टर्म में अनिश्चितता बनी हुई है। शॉर्ट टर्म में क्रूड एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल की ओर बढ़ सकता है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि क्रूड में जिस तरह की हलचल है, ओवरऑल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है। क्रूड पूरी इकोनॉमी को चलाती है। इसका महंगे होने से एनर्जी इम्पोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू करेंसी कमजोर होती है। दूसरी ओर इससे ईंधन महंगा होता है तो ढिलाई की कीमतें बढ़ती है, जिससे इंफ्लेशन बढ़ता है। मैक्रो लेवल पर तमाम इंपैक्ट के अलावा क्रूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा गिरावट से सीधे सीधे 40 से 50 शेयर का सरिस पे पड़ता है। अजय केडिया के अनुसार जो कंपनियां प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के रूप में क्रूड का इस्तेमाल करती हैं, उनकी लागत बढ़ेगी। बैटरी बनाने वाली कंपनियों, OMC, एविएशन पेंट कंपनियों, टायर कंपनियों, सीमेंट कंपनियों, लॉजिस्टिक कंपनियों, स्टील कंपनियों और कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक पर इसका सीधा असर होगा। इनके शेयर पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अजय केडिया के अनुसार क्रूड की कीमतों में ज़्यादा तेज़ी आने का मतलब है कि जो देश क्रूड का इंपोर्ट करते हैं, उनका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे बैलेंस शीट भी बिगड़ेगी। इन देशों का चालू खाता और राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा। इन देशों की करेंसी कमज़ोर होंगी, इससे इन देशों में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा। भारत और चीन जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े क्रूड खरीदार में से एक हैं, इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर असर हो सकता है। अगर क्रूड का भाव 100 डॉलर के पार जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर इसका होगा। वहीं इससे सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज, रूस, नॉर्वे, नाइजीरिया और इक्वाडोर जैसे क्रूड बेचने वाले देशों को लाभ भी होगा। एक्सपर्ट और एजेंसियां मान रही हैं कि आगे अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा तो क्रूड में फिर तेजी आएगी। IIFL की सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड 98 से 100 डॉलर प्रति बैरल का लेवल टच कर सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रूड को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। नियम टर्म में यह 90 डॉलर से 100 डॉलर की रेंज में रहेगा। उनका कहना है कि अभी सप्लाई में डिस्टर्बेंस है। ईरान पर US के सेक्शन से भी असर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।